हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसपी कुकिंग शो। आज हम आलू और साबूदाने के स्नैक्स बनाएंगे। ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। ये आलू मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं। ये हैं 250 ग्राम के करीब और ये मैंने एक कटोरी साबूदाने की ग्राइंड कर ली है अच्छे से मिक्सी में। अभी हम आलू में ये मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। जो भी आप मसाले खाते हो वो ऐड कर लो इसमें। जीरा पाउडर डाल लो, काली मिर्च भी डाल सकते हो, धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, जो जो आप खाते हो वो आप डाल लेना इसमें। और अभी इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे। इसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये साबूदाना जो है वो आपने कोई भी होना नहीं है, कुछ नहीं है तो नहीं अच्छे बनेंगे। ये क्रिस्पी तभी बनते हैं स्नैक्स के। इसमें जो साबूदाना है वो ग्राइंड करके कच्चा ही डालना है। ये हमारा आटे जैसा डो बन गया है एक। अभी हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम अभी स्नैक्स बनाएंगे इस तरह से कुछ। ये हम सारे बना लेंगे अब। ये अभी डे 6 की रेसिपी है नवरात्रों की। मैं अभी सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने सारे बना लिए हैं एक शेप में। अभी इनको हम फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई रखी है, इसमें हमने डीप फ्राई करना है। शैलो भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप भी इस तरह से आलू के स्नैक्स बनाएं। आलू और साबूदाने के बहुत ही यम्मी बनते हैं, व्रत वाले हैं। ये हमारे व्रत की छठवीं रेसिपी है। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और इस तरह से बना के चटनी के साथ खाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और